वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आपकी पुस्तक बसंत के पाठ 15 नीलकंठ, जिसे महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, इसका चैप्टर का शुरू का पार्ट आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब आज हम इसके आगे का पार्ट शुरू करेंगे। उससे पहले इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। ओके, कुछ शब्द अर्थ आप पिछली वीडियो में देख चुके थे, अभी आगे के शब्द अर्थ देखते हैं। जैसे बंकिम, बंकिम यानी टेढ़ी, बंकिम माने टेढ़ी। भंगिमा, भंगिमा किसे कहते हैं, मुद्रा या किसी छवि, किसी विशेष मुद्रा में किसी विशेष दृश्य को लेकर खड़े होना, तो वो क्या कहलाता है, मुद्रा। उद्दीप्त, उद्दीप्त यानी उत्तेजित, उत्तेजित होना, चमकना, उद्दीप्त होना। सहचारिणी, सहचारिणी यानी साथ रहने वाली, जो हमेशा साथ रहने वाली है उसे क्या कहते हैं, सहचारिणी। मंथर, मंथर यानी धीमी, कोई कार्य धीमी गति से हो रहा है, यानी कहते हैं मंथर गति से हो रहा है। इसके आगे नीलाभ, नीलाभ यानी नीली आभा, नीलाभ यानी नीली आभा। चंचु प्रहार, चंचु मतलब चोंच, प्रहार मतलब चोट करना, तो चंचु प्रहार यानी चोंच से चोट पहुंचाना। आर्त क्रंदन, आर इसको कैसे पढ़ेंगे, आर्त क्रंदन, आर्त क्रंदन यानी पीड़ित या दुखी होकर रोना। किसी को जब कोई चोट लग जाती है या अंदर से कोई पीड़ा होती है, तो जब कोई रोता है तो उसकी रोने में कैसी होती है, पीड़ा होती है, तो जब कोई पीड़ित होकर दुखी होकर रो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, आर्त क्रंदन। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट होना यानी अचेत होना, किसी वजह से अगर कोई अचेत हो गया है, जैसे कि इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इसका अंदेशा नहीं है, निश्चेष्ट हो गया। उष्णता, उष्णता यानी गर्मी। केका, केका किसको कहते हैं, मोर की बोली को कहते हैं, मोर की एक विशेष प्रकार की बोली होती है जो वह निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, केका। विस्मयाभिभूत, विस्मयाभिभूत ये विस्मय और अभिभूत से मिलकर बना है, विस्मय यानी आश्चर्य, अभिभूत यानी उससे भरा हुआ, तो हैरानी से भरा हुआ, आश्चर्य से भरा हुआ, तो क्या कहेंगे, विस्मयाभिभूत। पल्लवों, पल्लवों मतलब नए निकले कोमल पत्ते, जब वृक्ष पर छोटे छोटे से नए कोमल पत्ते निकलते हैं तो वो पत्ते क्या कहलाते हैं, पल्लव, और बहुत सारे हैं, क्या कहेंगे उनको, पल्लवों, पल्लवों यानी नए निकले हुए छोटे छोटे कोमल पत्ते। स्तबक, स्तबक यानी फूलों का गुच्छा, स्तबक यानी गुच्छा कहलाता है, तो फूलों का स्तबक क्या होगा, फूलों का गुच्छा। ओके, अब आगे बढ़े चैप्टर की ओर। हाँ तो बच्चों, आप सभी ने नीलकंठ के चैप्टर में अब तक आपने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा जी नफास कोने से दो छोटे छोटे से मोर के बच्चों को घर पर लेकर आईं, और उन बच्चों को उन्होंने अपने घर के पिंजड़े में रखा। पिंजड़ा एक बड़ा सा उनका जालीदार पिंजड़ा था, जिसमें बहुत से जीव जंतु बहुत प्यार से रहते थे, तो जब उसमें ही इन दोनों बच्चों को भी उन्होंने रखा, तो सारे जीव जंतु जो थे वो उन्हें बड़े ध्यान से और प्यार से देखने लगे, और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे खेलने का प्रयास भी करने लगे, क्योंकि किस तरीके से, जैसे जब घर में कोई नई वधू आती है तो सभी लोग कौतूहल से उसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से इन मोर के बच्चों को भी बाकी जीव जंतु भी बहुत ही ध्यान से, गंभीरता से देखने लगे, उनके साथ कुछ खेल करने लगे। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना, जैसे एक छोटी सी इल्ली से धीरे धीरे करके तितली बनती है, इसी तरीके से वो दोनों मोर के बच्चे भी बढ़ने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन और घनी हो गई, ऊंची हो गई और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम यानी टेढ़ी और पैनी हो गई, मतलब कि बहुत पैनी और वैसी हो गई चोंच, और लंबी तिरछी सी। गोल आँखों में इंद्रिणी की नीलाभ द्युति झलकने लगी, उनकी गोल गोल आँखों में इंद्रिणी की नीलाभ यानी नीली नीली चमक दिखाई देने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, नीली और हरी ग्रीवा यानी गर्दन,
तो लंबी नीली हरी जो गर्दन थी उसकी हर भंगिमा, भंगिमा यानी मुद्रा, मुद्रा यानी छवि, तो उसकी हर भंगिमा जो है वो धूप छाएं तरंगे उठने गिरने लगी। जैसे कि धूप छाएं होती है, इसी तरीके से उसकी गर्दन भी कैसी, कभी नीली कभी हरी, ऐसी उसकी छवि दिखाई देने लगी। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। दक्षिण बाम जो उसके दोनों पंख थे उसमें सलेटी और सफ़ेद चित्रकारी सी दिखाई देने लगी। पूंछ लंबी हो गई और पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होते, और पंखों पर भी क्या हुए, जैसे चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष के रंग होते हैं सात रंग, इसी तरीके से उनके पंखों में भी सात रंग उद्दीप्त होते, चमक उठे। आपने देखा होगा ना, जब मोर को पंख फैलाए हुए आप देखते हैं तो उसमें इंद्रधनुषी जैसे रंग दिखाई देते हैं। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनके जो पैर थे उन वो रंगहीन थे, परंतु उनकी गर्वीली गति यानी कि अकड़कर चलना मोर का, उसको उन पैरों ने से को भी क्या किया, एक नई गरिमा से रंग दिया। उसकी गर्दन ऊंची करके देखना, अब मोर की क्या है, गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, एक विशेष मुद्रा में करके उसे नीचे करके गर्दन को दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। महादेवी वर्मा जी का कहना है कि जो उसका ये सब करना था कि दाना चुगना, पानी पीना और ये शब्द सुनना, गर्दन टेढ़ी करके, ये सब में जो सौंदर्य था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, तो उसको सिर्फ हम देख कर ही अनुभव कर सकते हैं। आगे, मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी मोरनी का विकास जो है मोर की तरह से इतना चमत्कारिक तो नहीं हुआ, क्योंकि जो मोर है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसके पंख भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और वही नाचता भी है। मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं होती जितना कि मोर होता है, तो परंतु फिर भी उसकी लंबी धूप छाएं जैसी गर्दन, हवा में चंचल करने वाली कलगी उसकी, और पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, पंखों में वही ब्लैक एंड वाइट पत्रलेखा यानी कि कुछ आलेखन, और धीमी गति से आदि से वह भी मोर की कैसी लगती थी, सहचरणी यानी कि हमेशा साथ रहने वाली, उसकी साथी होने का प्रमाण देने लगी कि जैसे कि वह एक मोर की साथी है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी चूंकि मोर की जो गर्दन थी वह नीली थी, इसलिए मोर का नाम क्या रखा गया, नीलकंठ, और हमेशा उसके साथ रहने वाली मोरनी का नाम रखा गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। यानी कि नीलकंठ ने अपने आप ही सभी जीव जंतुओं का क्या बन गया, वो सेनापति बन गया और संरक्षक यानी कि सबकी रक्षा करने वाला स्वयं ही बन गया। सवेरे ही वह क्या करता था, अब खरगोश कबूतर आदि सबकी अपनी सेना को एकत्र करता और जहाँ दाना दिया जाता है वहाँ पर ले जाता सबको, घूम घूम कर सबकी रखवाली करता, फिर किसी ने अगर जरा भी कुछ गड़बड़ की तो अपने चंचू प्रहार यानी चोंच के प्रहार से उसे दंड देने के लिए दौड़ता, यानी कि सबका वह सेनापति बन गया। खरगोश के छोटे बच्चों को वो क्या करता था, चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, यानी कि जब वह शरारत करते थे कुछ तो वह उनके कान को चोंच से पकड़कर ऊपर उठा लेता, और जब वो आर्तक्रंदन यानी कि जब पीड़ित होकर उनको दर्द होता कान में तो वो रोते ना पीड़ित दुखी स्वर में, तो फिर उनको क्या करता, अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कण्वे संस्कार हो जाता। कण्वे संस्कार यानी कि मोर की जो पैनी चोंच थी उससे उनके कान में छेद तक हो जाता, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। लेकिन फिर वो इस बात को मान जाते थे कि हाँ हमारी गलती है, तो फिर वो कभी भी उसे मोर को क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे।
दंड विधान के समान उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी कि जिस तरीके से उसका दंड देने का तरीका अलग था, इसी तरीके से उन जीव जंतुओं को प्यार करने का तरीका भी, प्रेम करने का भी तरीका उसका असाधारण था, अलग था। प्रायः वह मिट्टी में क्या करता था, पंख फैलाकर बैठ जाता था और उसकी लंबी पूंछ और घने पंखों में सब छोटे छोटे जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, छुआछोल खेलते थे। छुआ खेलते हैं ना, कि हाँ मुझे छुओ आकर, तो ऐसे ही छोटे छोटे खरगोश के बच्चे उसके पंखों में खेला करते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। ऐसे ही कभी क्या हुआ, एक बार कि एक सांप जाली के अंदर पहुंच गया, सब जीव जंतु इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश यानी छोटा सा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। जैसे ये देखिए चित्र में आपके दिखाया गया है ना, कि सांप ने एक छोटे से खरगोश को पकड़ लिया। जब सभी जीव जंतु खेल रहे थे, फिर क्या होता है आगे देखते हैं। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। यानी कि खरगोश का आधा हिस्सा सांप के मुंह में था, तो इसलिए वह जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहा था, उसका स्वर इतनी तेज नहीं निकल रहा था कि किसी को सुनाई दे। परंतु नीलकंठ दूर झूले में जो बैठा हुआ था, चौकन्ना कानों से उसने उसके मंद स्वर की व्यथा तुरंत पहचान ली कि, और पूंछ अपने और पंख को समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया, यानी कि अपने खुद की कॉन्शियसनेस से उसने समझ लिया कि सांप के फन पर अगर मैं चोंच मारूंगा तो खरगोश भी घायल हो सकता है। तो अब उसने क्या किया, उसने